हेलो क्रिकेट के दीवान, आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में मजे कर रहे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी क्रिकेट का रिकॉर्ड बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भी खुश हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले गाइस, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट गाइस। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दुनिया के किन किन बल्लेबाजों ने डबल सेंचुरी लगाई है और किस बल्लेबाज ने सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाए हैं। और गाइस, यह लिस्ट इसलिए भी खास होने वाली है क्योंकि इसमें चार चार इंडियन प्लेयरों का नाम है। और गाइस, नंबर 9 पर आते हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने इस डबल सेंचुरी को पूरा करने में 156 गेंदों का सहारा लिया था, जिसमें उन्होंने 158 गेंद पर 209 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी और इस पारी के दौरान उन्होंने 12 चौके और 16 छक्के भी लगाए थे। नंबर 8 पर आते हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल, इन्होंने अपना इस दोहरा शतक को पूरा करने में 153 गेंदों का सहारा लिया था और इस पारी के दौरान उन्होंने 24 चौके और 11 छक्के लगाए थे, जिसमें उन्होंने 237 रनों की नॉट आउट पारी खेली थी। गाइस, अब नंबर 7 पर आते हैं फिर से रोहित शर्मा, जिन्होंने अपने इस डबल सेंचुरी को पूरा करने में 151 गेंदों का सहारा लिया था और इस पारी के दौरान उन्होंने 13 चौके और 12 छक्कों की मदद से 208 रनों की नाबाद पारी खेली थी। और गाइस, नंबर 6 पर नाम एक बार फिर और रोहित सर का ही आता है, जिन्होंने अपने इस डबल सेंचुरी को पूरा करने में 151 गेंदों की मदद ली थी और इस पारी के दौरान उन्होंने 33 चौके और 9 छक्के की मदद से 264 रनों की पारी खेली थी। और गाइस, नंबर 5 पर नाम आता है पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमान का, जिन्होंने इस डबल सेंचुरी को पूरा करने में 148 गेंदों का सहारा लिया था और इस पारी के दौरान उन्होंने 24 चौके और 6 छक्कों की मदद से 210 रनों की नाबाद पारी खेली थी। नंबर 4 पर आते हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने डबल सेंचुरी को पूरा करने के लिए 147 गेंदों का सहारा लिया था और ये दुनिया का सबसे पहला डबल सेंचुरी था ओडीआई में और इन्होंने 25 चौके और 3 छक्कों की मदद से 200 रनों की नाबाद पारी खेली। और गाइस, नंबर 3 पर आते हैं भारत के वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने अपना इस डबल सेंचुरी को पूरा करने में 140 गेंदों की मदद ली थी और इसके दौरान उन्होंने 25 चौके और 7 छक्कों की मदद से 219 रनों की पारी खेली थी। और गाइस, नंबर 1 पर आते हैं इनवर्स वॉस, यानी कि क्रिस गेल, और इन्होंने अपना डबल सेंचुरी पूरा करने में मात्र 138 गेंदों का इस्तेमाल किया था और इस पारी के दौरान उन्होंने 10 चौके और 16 छक्कों की मदद से 215 रनों की पारी खेली थी। और गाइस, फाइनल नंबर 1 पर आते हैं भारत के ईशान किशन, जिन्होंने मात्र 126 गेंदों में डबल सेंचुरी ठोक दिया और इन्होंने अपने पारी के दौरान 24 चौके और 10 छक्कों की मदद से 210 रनों की पारी खेली थी। और गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगे। चले गाइस, आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।